Hey guys, कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का A13 और इस फोन में आप डुअल एप्स को बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बना सकते हैं, मतलब डुअल मैसेंजर को आप क्रिएट करना चाहते हैं इस फोन में तो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ छोटे छोटे स्टेप है जिन्हें फॉलो करना है जिसके बाद आप डुअल एप्स को बना पाएंगे। तो सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। सेटिंग ओपन करके आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है, आपको देखने को मिलेगा एडवांस फीचर, तो इस ऑप्शन पर जाइए। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है डुअल मैसेंजर का एक ऑप्शन, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो एप्स आपको देखने को मिलेंगे उन एप्स का इस फोन में आप क्लोन ऐप बना सकते हैं, तो कौन सा बनाना है उस पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कन्फर्म करेंगे तो इसका डुअल ऐप बनना आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फोन में डुअल ऐप्स को आप बना सकते हैं। जो एप्स आपको यहां पे मिलेंगे उन्हीं का बना सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और एप्स का बनाना चाहते हैं अवेलेबल नहीं है तो उस एप्स का आप क्लोन ऐप नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से स्पॉन डुअल एप्स को आप बना सकते हैं। और आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे से लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहले आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।